शिक्षा विमर्शक वर्तमान परिप्रेक्ष्य का प्रसारित senses, the one who is full of life, the one who could brought her up properly. You all must protect. You all must protect her as she is the solution, the medication. मैंने बहुत इसमें विस्तार से लिखा है, लेकिन मैं केवल बिंदु-बिंदु में अपनी बात को कहूँगी क्योंकि समय कम है और कुछ बिंदु यहाँ मुझसे पहले जो वक्ता आई है निशी जी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं शिक्षा के बारे में। तो वैदिक समाज में नारी शिक्षा विमर्श और आज के युग में उसकी क्या प्रासंगिकता है, मैंने इस पर कुछ विचार अपने सोचे हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय परंपरा में नारी का स्थान बहुत ही प्रतिष्ठित रहा है। सदैव जो नारी है लक्ष्मी साम्राज्ञी इत्यादि जो विशेषण हैं इनसे अलंकृत होती रही है। यहाँ तक कि वेद काल में नारी को रत्न भी कहा गया है। तो इस प्रकार से जो मातृ स्वरूपा नारी थी वो सभी के लिए मंगलकारिणी थी, इसलिए उन्होंने ऋषियों ने उनके वैदिक काल में जो परिवार संस्था थी उसमें उसका सबसे अधिक प्रतिष्ठित स्थान गृहिणी का होता था, क्योंकि समाज में उस समय संयुक्त कुटुंब प्रथा प्रचलित थी। सभी संयुक्त रूप से रहते थे और संयुक्त परिवार के पालन पोषण भरण का जो दायित्व था वो गृहिणी पर अधिक होता था। एक तरफ नारी ससुराल में परिवार जनों के लिए हृदय सामग्री रूप में प्रेम और आदर सम्मान प्राप्त करती थी, परंतु दूसरी ओर वह मातृ स्नेह से और दया सहानुभूति प्रेम अनुराग त्याग साहचर्य धर्म का पालन करती हुई परिवार और उत्कृष्ट समाज के निर्माण में भी निष्ठापूर्वक अपना योगदान की करती थी। कन्या के रूप में उसे शक्ति स्वरूपा माना, कुलवधू के रूप में सेवा मूर्ति माना गया, पत्नी रूप में सतीत्व और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति माना गया। तो इस प्रकार जो नारी थी वो अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों का पालन करती हुई समाज में पूज्या और गुरु रूप में भी प्रतिष्ठित हुई, क्योंकि अपने संतान के लिए वह प्रथम अक्षर ज्ञान प्रदायिनी थी। प्रथम अक्षर का ज्ञान माता से ही प्राप्त होता है, इसलिए मातृ देवो भव ये कहा गया है। समाज में सृष्टि के आदि से ही स्त्री और पुरुष समान रूप से उसके लिए विशेष रूप से स्वीकार किए गए हैं। पुराणों में जो पत्नी है वो पति की सेवा उसका प्रथम कर्तव्य माना गया। शतपथ ब्राह्मण में परम मित्र माना गया पत्नी को, और वहीं पर शतपथ ब्राह्मण में उनको सरस्वती के रूप में भी योषा वही सरस्वती कह करके सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार जो वैदिक काल में विवाह की अनिवार्यता जहाँ होती थी वहाँ पत्नी अपने कर्तव्यों का पालन करती थी, संतान और शिष्यों के प्रति सद्गुणों सत्कर्म की प्रेरणा देती थी, गृह आश्रम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ को वो सुचारू रूप से संचालित करे, यह वैदिक ऋषि की कामना है। वेद काल में नारी शिक्षा का प्रचार पर्याप्त रूप से प्रचार था, यानी वैदिक शिक्षा वैदिक समय में न केवल बालकों को शिक्षा दी जाती थी बल्कि बालिकाओं की शिक्षा का भी उतना ही ध्यान रखा जाता था। जितना उनको अवसर दिए जाते थे उतने ही बालिकाओं के लिए भी अवसर थे। ब्रह्मचारी को या 8 वर्ष के बालक को हम उपनयन संस्कार करके गुरुकुल में भेज देते थे, परंतु कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था ऐसे भी वेद में उल्लेख आते हैं, परंतु वे गुरुकुलों में ना जा करके अपने घर में रह करके शिक्षा प्राप्त करती थी। गार्गी मैत्री आदि ये सभी मंत्र दृष्टा विदुषियां हुई हैं और शास्त्रार्थ में इन्होंने पुरुषों को भी पराजित किया है। स्त्री शिक्षा
शिक्षित स्त्रियों के द्वारा वेद मंत्र पाठ काव्य रचना मंत्र दर्शन आदि विषय भी ऋग्वेद में स्पष्टतया उल्लिखित होते हैं। बहुत से अंशों का वहाँ चर्चा है कि विश्ववारा ने ये लिखे त्रिकुल की जो थी और अपाला ने ये इतना अंश लिखा, घोषा ने इतने सूक्त लिखे। गार्गी का तो सभी हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है, गार्गी जिन्होंने शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को पराजित किया। इसके अतिरिक्त हमारी जो ज्ञानवती स्त्रियां थी उनका सबसे पहला जो मुख्य आधार था इस कल्पना का, ऋषियों के मन में जो कल्पना थी या वैदिक समाज में जो एक प्रचलन था कि कन्याओं को भी शिक्षित किया जाए, उसका आधार ये था कि नारी जितनी भी महिलाएं हों वो प्रायः करके सुविद्या और शुभ मंगल संस्कारों से युक्त हों। यदि वे स्वयं शुभ मंगल संस्कारों से युक्त होंगी तभी उनके परिवार में सुख शांति का साम्राज्य रह सकता है और वे अपनी संतान को भी उसी प्रकार से शुभ और मंगल संस्कारों से युक्त कर सकती हैं। शिक्षा के द्वारा ही नारी में बल बुद्धि और कार्य क्षमता का विकास किया जाता था। शिक्षा दीक्षा कर्म कौशल विचार की दृष्टि से ऋग्वेद में नारी का उदार यशस्वी स्वरूप वर्णित किया गया है। सभाओं में दिव्य स्त्रियां, दिव्य से अर्थ है जो ज्ञानवती स्त्रियां थी जो शास्त्रार्थ में भाग लेकर के पुरुषों को पराजित कर सकती थी, ऐसी जो ऋषिकाएं थी बालिकाएं थी वो दिव्य स्त्रियां मानी जाती थी। वो सभाओं में सम्मानित होती थी, उनकी प्रशंसा की जाती थी और सबके कल्याण के लिए उनका आश्रय लिया जाना चाहिए ऐसा भी वेद में उल्लेख मिलता है कि हम जाएं उन ज्ञानवती स्त्रियों के पास, विदुषी स्त्रियों के पास और हम ज्ञान प्राप्त करें। विशेषता ये बालिकाओं के लिए कहा जाता था कि बालिकाएं उनके पास जाएं और ज्ञान प्राप्त करें। नारी का जो कल्याणकारी स्वरूप है उसकी वृद्धि के लिए अथर्ववेद में बताया गया है, विवाह प्रकरण में उत्तम ज्ञान प्राप्ति के लिए नारियों को निर्देश दिया गया है कि पति के घर में परिवारजनों के साथ परिवारजनों के हित साधन के लिए, पशुपालन इत्यादि के लिए, धर्म नियम का अनुपालन करने के लिए, अपनी संतति को वीरता की शिक्षा प्रदान करने के लिए और यज्ञ द्वारा अग्नि की उपासना करना, ये सब उस समय महिलाओं के कर्तव्य होते थे जो आज कुछ भिन्न रूप में हो गए हैं जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। आचार विचार और व्यवहार से जो सिद्धांत पक्ष है उसका सुविज्ञा ही कर्तव्य पालन कर सकती है, नहीं तो बिना ज्ञान के न तो देश की उन्नति हो सकती है, न परिसंतान की हो सकती है, न परिवार की, न समाज की, न नगर की, न राज्य की, किसी की भी उन्नति नहीं हो सकती। इस विषय में वधु को ज्ञान देते हुए वधुम परितः ज्ञानम, ईश प्रार्थना का जो वायुमंडल हो जाए, वधु के चारों ओर ज्ञान ईश प्रार्थना का वायुमंडल हो जाए। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग किया गया वो ब्रह्म शब्द ईश्वर मंत्र वेद ज्ञान यज्ञ शक्ति तप धर्म पवित्रता और ब्रह्मचर्य का वाचक है। वैदिक युग में ये सभी सतीत्व गुण गृहिणियों के द्वारा अनुपालनीय थे। समाज में संस्कार से युक्त सुशिक्षित वधू ही परिवार का दायित्व संभाल सकती थी, ये एक मुख्य बात है। दूसरी बात, परिवार में जो एकता थी वो शिक्षित बहू बहुत अच्छे से निभा सकती थी, परंतु उससे पहले ब्रह्मचर्य जीवन में भी उनको दो प्रकार से माना जाता था, सद्योवधु और ब्रह्मवादिनी। तो ब्रह्मवादिनी जो होती थी वो विवाह नहीं करती थी, यदि चाहें तो वो बाद में कर सकती थी, स्वेच्छा होती थी उनकी। सद्यो इन वधुओं की जो है विवाह 16-17 या 17-18 वर्ष की आयु में अध्ययन के उपरांत उनका विवाह कर दिया जाता था समय आने पर, परंतु उससे पहले उनको हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिसमें सबसे पहला था यज्ञार्चन करना, यज्ञानुष्ठान करना, वेद अध्ययन करना। वेदों का अध्ययन उनके लिए आवश्यक होता था, उनको वेदों का अध्ययन कराया जाता था और इसके अतिरिक्त धार्मिक जितने कार्य होते हैं वो भी उनको, उनकी अनुपालना के लिए उनको कैसे संपादन करना है अपने परिवार में और बाद के परिवार समाज में, उसकी शिक्षा दीक्षा भी बालिकाओं को घर में दी जाती थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं उनका वो भी भिक्षाचर्य का आचरण करती थी और अंत में उनकी इच्छा होती थी तो वो उनको
आगे वो कार्य करते थे। अभी निर्देश है कि जल्दी जल्दी समाप्त करना है। सेना का जिक्र भी उन्होंने अभी निशी जी ने किया, सेनाओं में भी महिलाएं जाती थी और युद्ध में भी जाती थी, युद्ध लड़ने के लिए भी जाती थी। कुछ प्रसंग यहाँ आते हैं उस प्रकार के। इसके अलावा दूत कर्म भी बहुत अच्छा वो पालन करती थी। शर्मा पाणी का जो संवाद है बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो नगरों का प्रबंधन, आंतरिक रक्षा, स्वच्छता इत्यादि कार्य भी महिलाओं के द्वारा संपन्न किए जाते। पुरंधी शब्द का प्रयोग वहाँ आता है जिसका अर्थ है नगराणाम रक्षण पोषक पोषण कर्त्री रूपेण। नारी का जो सम्मान किया जाता था उसका यह उल्लिखित योगदान है। तब विदुषियां जो दार्शनिक सभाओं में भी भाग लेती थी और भाषण इत्यादि भी देती थी, वहाँ समिति सदस्यों का चयन भी होता था जिसमें महिलाओं को भी चयन किया जाता था। गृह के उपयोगी जो शिक्षा थी, पाक शास्त्र इत्यादि, उनको सब सिखाया जाता था। संगीत, गायन, नृत्य आदि सभी ललित कलाओं की शिक्षा भी, नानाविध ललित कलाओं की शिक्षा भी उनके लिए दी जाती थी। यानी सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास उस समय बालिकाओं के लिए करने की पूरी व्यवस्था समाज में थी। अब हम इस दृष्टि में मैं 2 मिनट लूंगी और आज में इसकी क्या प्रासंगिकता। आप कहेंगे कि वैदिक समाज तो चला गया, अब तो बिल्कुल ही यहाँ क्या अर्थ रह गया इन चीज़ों का। लेकिन आप 2-3 बिंदुओं पर अगर हम विचार करें, जिस तरह से हमारा जो समाज, परिवार, देश विघटन की ओर जा रहा है, उसका सबसे पहला जो है वेदाध्ययन का छूट जाना। वेदाध्ययन हम लोग नहीं करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं, समय नहीं है या संस्कृत नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण यज्ञाध्ययन वेदाध्ययन नहीं हो पाता। वेदाध्ययन नहीं हो पाता, यज्ञानुष्ठान नहीं कर पाते हैं। यज्ञानुष्ठान से तो आप सब जानते हैं कि धैर्य आता है, हमें समर्पण की भावना आती है और एकता की भावना आती है। जब हम सब बैठ करके यज्ञ करते हैं, घर में पूजा करते हैं, उसका एक अलग लक्ष्य है, उसका एक उद्देश्य है कि सब में सामंजस्य की भावना बने, सब में एक दूसरे के प्रति समादर की भावना बने। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इन्हीं से जो आज आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे समाज में, वो इसी की देन है। क्योंकि हम लोगों में आपस में एक दूसरे को सहने का धैर्य नहीं है, हम लोगों में पेशेंस नहीं है। छोटा बड़े को नहीं सह सकता, बड़ा छोटे को नहीं सह सकता। हम वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, लेकिन क्या हम 4 लोगों का परिवार में भी आपस में ये वसुधैव कुटुंब की भावना है क्या? हमारे हृदयों में क्या वो सामंजस्य है? संगच्छद्वम सम्वदध्वम हम कहते हैं, लेकिन क्या हमारे सबके हृदय में है? तो ये सब यदि हम अपनी बालिकाओं को संस्कार सिखाएंगे, प्रारंभ से सिखाएंगे, न केवल बालिकाओं को, बालकों को भी। हमें माता का सबसे बड़ा ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चों को छोटे से ही संस्कार सिखाए, स्त्री का सम्मान करना सिखाए। स्त्री बहन के समान है, माता के समान है, ये हमें ही सिखाना पड़ेगा। जैसा बच्चा घर में देखता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, तो हर कार्य जो है वो अपने घर से ही होता है, अपने परिवार से होता है। जैसा हम परिवार या समाज चाहते हैं वैसा हमको अपने हृदय में धारना पड़ेगा और हमें अपनी संतान में उस प्रकार के उत्तरदायित्व की भावना को भरना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? आप देखते जाइए परिवारों का विघटन और वृद्धाश्रमों का वर्धन, यही समाज में हो रहा है और यही होता रहेगा। ये कोई संस्कृति हमको नहीं सिखा सकती कि ये हमें पाश्चात्य संस्कृति ने सिखा दिया। पाश्चात्य ने तो और भी बहुत कुछ सिखाया, कार्य क्षमता सिखाई, परिश्रम सिखाया, कौशल विकास सिखाया। क्या हमने वो चीज़ें सब सीखी? नहीं सीखी, केवल ये बहाने। हमको क्या करना है कि अपनी संतान को उसी प्रकार से उनका उत्तरदायित्व सिखाना है और ये जो वृद्धाश्रम की परंपराएं हैं इन सबको समाप्त करना है। तो हमें अपनी बालिकाओं को अपने संस्कारों की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। धन्यवाद। I'm inviting the last speaker of this academic session, Dr. Ranjit Behra. He's an associate professor in Sanskrit department, Delhi University. Adhyaksha Mahodayah, Manchasinah Vidvansah, Mama Puratah, Vaidika Vidvansah, Mama Visayah, Upanishad Sunari. प्रातः अस्माभिः मुख्यातिथेः भाषणं श्रुतं संस्कृतेन, अन्तिमं पत्रं पुनः संस्कृतेन। तो इति धिया अत्र बहवः विद्वांसः विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः विभिन्नाभ्यः भाषाभ्यः वर्तन्ते, तर्हि सर्वान् दृष्ट्वा एव
यत्र यः सारांशः वर्तते काश्चन बिन्दवः वर्तन्ते तान् बिन्दून् आधारीकृत्य एव हिन्दीभाषा केवलम् अर्थं वदामि। तो हम लोगों ने बहुत चर्चा सुनी है, तो वेद के समय में नारी की क्या स्थिति रही है, ऋषिकाओं के बारे में हम लोगों ने सुना, इसके वागम ऋणी के बारे में, मातृभाषा के बारे में, और भी ऋषिकाएँ हुई हैं जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया था। अगर मंत्र की बात करते हैं तो ये एक संकेत के रूप में देना चाहूँगा तो वेद शब्द की व्याख्या अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग भाष्यकारों ने विभिन्न प्रकार वहाँ की है। अगर सिंपल वेद की बात करते हैं तो अपस्तंभ आचार्य को अगर देखते हैं वो करते हैं वेद ब्राह्मण और वेदनामधेयम। वो कहते हैं वेद में ब्राह्मण मंत्र और ब्राह्मण को लेते हैं, मंत्र का अर्थ हम संहिताओं को लेते हैं, और ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण शब्द की बात करेंगे तो वहाँ ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तीनों को वहाँ पर साथ लेते हैं। तो उसके बाद अगर देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की जो विषय वस्तु की बात करते हैं ब्रह्म शब्द है, तो वहाँ ब्रह्म का वर्णन है। तो क्या ब्रह्म जो आध्यात्मिक विद्या की बात करते हैं, क्या ब्रह्म का ग्रंथ जो है ब्रह्म के बारे में वहाँ पर वर्णन है? वहाँ ब्रह्म शब्द की व्याख्या अलग करते हैं, तो ब्रह्म शब्द की व्याख्या उसमें करते हैं ना, दो अर्थ हैं, ब्रह्म वही मंत्र, ब्रह्म वही यज्ञ। अगर ब्राह्मण ग्रंथों की हम लोग चर्चा करते हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ का अंश विशेष आपके पास कहीं ना कहीं आरण्यक भी है, उसके अंतर्गत कहीं पर उपनिषद भी है, या किसी संहिता का पाठ भी उपनिषद है, वहाँ पर यज्ञ और मंत्र की बात करते हैं। अगर मंत्र की बात करते हैं, मंत्र का नारी के साथ कोई संबंध है क्या? हम लोगों ने कई पत्र को वहाँ देख लिया है, तो ऐसे मंत्र है ना मननाथ मंत्र, उसके बाद ऋषय तो मंत्र दस्ता रहा। क्या मंत्रों का दर्शन केवल ऋषियों ने, पुरुषों ने किया था, और भी ऋषि कामों ने भी किया था, हमने पेपर पढ़े हुए। और ब्रह्म मंत्र दूसरे अर्थ की बात करते हैं यज्ञ, जब यज्ञ संपादित करते हैं, जो वैदिक आज की बात करते हैं तो श्रोत कर्म की बात करते हैं, श्रुति के अनुसार है श्रोत कर्म है, ये श्रुति कर्मों का श्रोत कर्म का विवेचन। अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, क्या ब्राह्मण ग्रंथों में आद्योपाद यज्ञों का वर्णन है? नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, मान लीजिए अग्निस्टोम यज्ञ की बात करते हैं या अति अग्निस्टोम की बात करते हैं, क्या आदि से लेकर अंत तक जितनी मतलब उसमें विधियां हैं, विधियों के अनुसार क्या यज्ञों का वर्णन किया जाता है? नहीं किया जाता। तो इसीलिए हमारे पास वेदांग की जरूरत पड़े। कल्प वेदांग की बात करते हैं तो कल्प शब्द के अर्थ की बात करेंगे तो वो कहते हैं ना उसमें श्रुति अनुसार जो कर्म है उनको अनुपूर्वीण कल्पना शास्त्र पूरा मतलब सांगोपांग अगर कहेंगे विधि आदियों से लेकर अंत तक अगर वर्णन मिलेंगे तो आपके पास ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं है, वो श्रोत सूत्र में। तो इसी की बात करेंगे, क्या यज्ञ के साथ कोई नारी का डायरेक्ट संबंध है? तो जरूर है। तो अगर तैतिर संहिता की एक पंक्ति की बात करेंगे तो तैतिर संहिता अगर साहित्य की बात करेंगे, वैदिक मंत्रों की बात करेंगे, वहाँ उसमें कहते हैं तो स्त्री पुरुषस्य रते संलग्नौ द्वौ वलिवर्धावेव। वो कहते हैं रथ में जैसे दो बलिवर दो बैल उसमें रहते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री का प्रतीक माना गया है। अगर वो दोनों को बात को देखेंगे तो दोनों समान रूप में वहाँ पर दिखा गया है, तैतरीय संहिता की बात करते हैं। फिर आगे अगर उसमें वैदिक संहिता की बात करें वहाँ पर स्थिति अलग है, तो यज्ञ संबंध की बात करेंगे, अगर ये यो अपत्नी कहा सो यज्ञ न कुरिया, जो अपत्नी के हो तो यज्ञ करने से, ये पूरा का प्रावधान बना देखा हुआ है। तो हमने जो ये टॉपिक हमने देखा था कि वैदिक संहिता सु नारी नाम स्थिति, एक पॉइंट हमने उसमें रखा है। दूसरे पॉइंट में है यज्ञ संबंध, तो उपनिषदों में यज्ञ के बारे में वहाँ क्या वर्णन किया गया है? वहाँ यज्ञ का प्रतीक के रूप में वहाँ नारी के हिसाब से वहाँ परिकल्पना की गई, बहुत बढ़िया। वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद पूरा कपड़ा वहाँ वर्णन आता है, किस पात्र के साथ या किस अंग के साथ वहाँ नारी का वहाँ वर्णन किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो उसके साथ एक पॉइंट हमने लिया था ना शिक्षा ग्रहण, जो शिक्षा की बात करते हैं, क्या उस समय जो शिक्षा की बात करते आज के साथ कोई संबंध है? वाद विवाद और संवाद बहुत चर्चा चली है, क्या संवाद आजकल एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अगर जोड़ना चाहेंगे क्या संवाद है? कभी कभार देखिए वहाँ संवाद नहीं है। आचार्य की बात करते हैं, आचार्य के बारे में बहुत चर्चा होगी, वहाँ संवाद मिलता है, और संवाद में अगर उसमें शिष्य के साथ शिक्षकों के साथ संवाद जो रखें टेक्स्ट उसी की बात करते हैं। तो उसमें हमने एक और पॉइंट उसमें से दिया था गृहस्थ जीवन नारी, तो गृहस्थ के साथ वहाँ उपनिषद साहित्य में वहाँ नारी का क्या संबंध उसमें रहा, कैसे वर्णन किया गया है? तो अगर उसमें देखेंगे यमराज और नचिकेता वहाँ प्रसंग हम लोगों ने सुना हुआ है, कैसे प्रलोभन दिया गया है, ये आत्मविद्या की बात करते हैं, वहाँ उनको प्रलोभन दिखाया गया है। अगर आपको संसार की जितनी वस्तुएं चाहिए वो सारी वस्तुओं का आपको प्रदान कर देंगे, लेकिन आत्मविद्या के बाद महाविद्या के बाद वहाँ मत दिखाएंगे, वहाँ उनको थोड़ा सा लालच दिखाने की विशेष बात उसमें कही गई है। तो अगर इसी दूसरी बात देखेंगे तो मातृ रूपेण वर्णनम उपनिषद देखिए बहुत बढ़िया, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये दोनों उपनिषद को अगर देखेंगे तो नारी के बारे में वहाँ बहुत कुछ वर्णन किया, प्रतीकात्मक के रूप में वहाँ वर्णन किया गया।
और हम लोग जानते हैं याज्ञवल्क्य की बात करते हैं, मैत्रेय की बात करते हैं, कात्यायनी की बात करते हैं, बहुत बढ़िया उसे प्रसंग आता है। एक ब्रह्म की ओर, ब्रह्मवादिनी की ओर जाती है और एक गृह के गृहस्थ के साथ उसमें पूरा कपड़ा उसमें सपोर्ट करती है। अगर उसमें देखेंगे तो ऐसे आपके पास देखेंगे कितने 36। देखिए हम तो जानते हैं पिता के अनुसार नाम जिन्हें हम लोग जानते ही हैं, क्या माताओं के हिसाब से भी नाम होता था? जरूर आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये संबंध हमारे पास आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में 36 श्रेष्ठ मातृकाओं का या माओ का उसे वर्णन दिया गया है और उनके पुत्र जो है आपके पास मंत्रप्रष्टा ऋषि के रूप में संहिताओं में वर्णन दिया गया है 36, और इसका बृहदारण्यक उपनिषद में पूरा का पूरा वर्णन। इसकी और आगे देखूंगा तो विदुषी पुत्र्याः कामना, जैसे हम लोग जाते हैं तो के पुत्री हो या विदुषी पुत्र की कामना भी उस टाइम संहिता की बात करते हैं या उपनिषद की बात करते हैं, वहाँ पर संहिता की वहाँ पर बहुत विषय वर्णन दिया गया है। तो उसमें देखें पंडिता धुविता वापते सविशेष अनुष्ठान, वो कहते ऐसे मेरी पुत्री विदुषी हो इसके लिए विशेष अनुष्ठान का भी आयोजन किया जाता था जो आपके पास उपनिषद साहित्य में प्राप्त होता है। एक पॉइंट हमने दिया था संपत्ति अधिकार चर्चा, क्या संपत्ति में अधिकार है या नहीं है, उसे बहुत बढ़िया उसमें प्रसंग आता है। उपनिषद की बात करेंगे तो याज्ञवल्क्य और कात्यायनी और इसमें मैत्री की बात करते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है, तो कहते मुझे संपत्ति का कोई उसमें लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, मुझे केवल ब्रह्म की ओर ब्रह्म विद्या की ओर वो मैं वहाँ जानना चाहती हूँ। अगर आप संपत्ति देना चाहेंगे तो आपके पास जो कात्यायनी है उनको आप संपत्ति से देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा तैतृय संगीता में या संगीता में नहीं उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं इसको देखने के बाद वहाँ संपत्ति के बारे में कहीं ना कहीं वहाँ चर्चा जरूर आती है। एक और एक पॉइंट में जोड़ना चाहूँगा, जो पत्नी प्रथा बहुपत्नी प्रथा की बात करते हैं तो केवल हमारे पास उपनिषद में एक ही उसमें प्रसंग उसमें आता है, केवल दो पत्नियाँ हैं और बाकी वहाँ पति प्रथा बहुपति प्रथा के बारे में कोई उसके संकेत उसमें उपलब्ध नहीं है। अगर हम वो देखेंगे नारी की स्थिति उपनिषद साहित्य में कैसे रही है, देखिए वैदिक साहित्य में स्थिति उसमें अच्छी रही है लेकिन उपनिषद साहित्य में भी उसमें कम नहीं है, स्थिति में सुदृढ़ स्थिति रही है, लेकिन उपनिषद साहित्य के अंत के समय में धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं अवनति की ओर वहाँ पर उसमें आई है। उत्तर वैदिक काल में देखें तो नारी के प्रति जो वहाँ पर जो भावना है धीरे धीरे वहाँ अवनति वहीं से प्रारंभ उसमें हुई। तो आगे देखेंगे तो गृहस्थ जीवन में नारी के रूप में वहाँ बहुत वर्णन दिया गया है। तो लास्ट में हमने दिया था स्थान बहुत सम्मानजनक वहाँ पहले था संगीता समय में, उपनिषद समय था सम्मानजनक, लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं अवनति की ओर हमें संकेत प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Professor Dr. Ranjit. Now, I don't want to be in between of you and your tea, so I would like to call our chair, Professor C. Upendra Rao, to please come and express your opinion and your views about these presentations and the concluding note. Thank you. सभा कल्पतरु बंदे वेदास एंड वेदिक लिटरेचर आर इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ आवर इंडिया। देयर इज नो डाउट दैट टुडे वी ऑल स्पेंट आवर टाइम इन द डिस्कशन अबाउट द वेदास and Vedic literature. We had very good discussions on Vedic literature, also the Vedic time and Upanishadic time. All this it was possible due to Professor Shashi Tiwari ji and Waves. So therefore I always appreciate these activities about the Vedas and Vedic literature. So many papers, at least 5-6 papers were presented, and no need to review every paper, but all papers indicated the glorious culture of our ancient India, where Nari had the very highest place. Nari nam sthanam utkrushtam. And the last paper which our friend has presented, it discusses about the Upanishadic era, in Upanishadic time, how Naris were there, what was the status.
even after Upanishadic time, we have the situation of women in ancient India in Buddhist literature. In Theri Gatha, you can find all situation of various theories, Kisa Gautami, Vishakha. So, in all papers, it was suggested that the situation of the women was very, very good in ancient India. So this is what actually we have learned here. Because when we speak about the Vedic literature and Vedic era, we should think that it is not just before independence or before just some years ago. Vedic time is very, very old. That time, the situation was very, very different in India. But after the Vedic period and how many periods we have passed, and how many things have happened in Indian culture. And discussing about the Veda, keeping the treasure of the Veda itself is, even today we are discussing about the Vedas and Vedic hymns. That itself is very, very remarkable. Because Veda itself is a big mystery in the world. How our ancestors have preserved Vedas, Shruti Parampara. That itself is very, very remarkable. So the whole, if you think about India with Vedic literature and with this vast knowledge, so we should be proud of this. So many women characters were there in ancient India. Dr. Shakuntala discussed about the Ramayana era. Anasuya, all these characters, how they were very, very remarkable, and they had distinguished qualities. And Dr. Konrad Els, the scholar, Indological scholar from Belgium, has given very good interpretation, the philosophical interpretation about this Narivada. But he said that why Ardhanarishwara and why Ardhanarishwari, something he said like that. But it cannot be Ardhanarishwari, you know, because if he wants to say just reverse to that, Ardhanarishwara, we say for Shiva. He wanted to try, he wanted to express the Ardhanarishwari, why it is not there. But if he wants to say, it will be Ardheshwara Nari, not Ardhanarishwara, because Nari is already there. Half Nari is already there. And other papers also, Pravesh Saxena has discussed Vedic literature and Vedic Nari. And also Vaidya Nishi Aroda, Vedajnan me Nari. Vedajnan me Nari. So, and she has given so many examples, and also she related to medicine also, how medical treatments were also available. Some of the points which she has mentioned, I have seen on the Konark temple in the sculpture. So the treatments, ancient Nari and those treatments, you can find in sculptures also, in temples also. So then Nishi Arora, she has presented these things. And Kamala Bharatwaj also has said Vaidika Samaji Nari Shiksha Vimarsha Vartamana Parikrishna Prasanjika. So her paper is title is in Sanskrit, but she has presented in Hindi. She has well depicted all the how Nari was there in ancient India, and particularly Vedic period. And also Ranjit Behra has presented his paper Upanishad, that the situation, the status of women in Upanishadic time. So we are very happy to be here, to meet all of you, and so many scholars have come here, and we have the great opportunity to discuss about the Vedic literature. So that already so much time has passed in this discussion. I congratulate all paper presenters, and I also congratulate and I thank who are sitting here for the
taking the knowledge of Veda. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. I'm also feeling so fortunate enough to be a part of this such a sincere and thought-provoking brainstorming exercise. Can we have a huge round of applause for all such an amazing presenters and excellent and so charismatic audience? Huge round of applause. Thank you so much. Now it's the time for the certificate distribution. May I call upon Dr. Shashi ma'am, please, to come up with taste for the certificate distribution. अध्यक्ष महोदय जी का, पुनः सेम जी का, महोदय जी का बहुत बहुत आभार। उनका भी हम लोग करतल धोइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। नारी संवाद प्रकल्प वाद विवाद के ऊपर चल रहा है आजकल, उनकी निदेशिका डॉक्टर सुषमा जाटू जी से कृपया मंच पर आए। हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे स्पीकर से, उनको स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। और मेरा सौभाग्य है, हम लोगों ने 2012 में पहली बार मिले थे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के विश्व सम्मेलन में। एक वॉल्यूम बना था विश्व 12, है ना, कुलपति ये कुल सचिव महोदय यहीं पर हैं, तो आप लोगों के सानिध्य हम लोग काम करने का मौका मिला था। अभी हम लोग आगे भी काम उसमें कर रहे हैं। तो मैं प्रमाण पत्र तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैडम प्रवेश सक्सेना जी को, कृपया आए। और अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, कृपया वो भी आके मंच पर उसमें प्रमाण पत्र देने की कृपा करें।